शिवाजी महाराज से, हमारे बिल्कुल छत्रपति बिल्कुल शिवाजी बिल्कुल में, छत्रपति शिवाजी महाराज, हाँ उनके जो पर्सनल बॉडी गार्ड थे, हाँ उनके पर्सनल बॉडी गार्ड थे वो मुस्लिम थे। अच्छा बराबर, ये हाँ कमाल। और छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे लेजेंडरी वॉरियर थे कि भाई साहब उनको कोई छू भी नहीं सकता था। देख, हाय गाइस, तो यार कैसे हो आप सब, मेरा नाम आजाद है, मेरा नाम है, और आज हमारे साथ बहुत ही प्यारे हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, कुलदीप, जो कि भाई आज हमें बहुत ही ज्यादा प्यारी जगह पर सैर कराएंगे और बताएंगे आपसे इंडिया में कितनी प्यारी प्यारी जगह मौजूद है इस टाइम पर। तो यार कुलदीप, आज आप हमें इंडिया में क्या चीज ऐसी दिखाने वाले जिसको देख हम टोटल शॉक भी होने वाले हैं। देखो, इंडिया ने पूरी इतिहास की विरासत जो थी उनकी सब संभाल के रखी हुई है। उसमें से ही मैं महाराष्ट्र औरंगाबाद में से आता हूँ, जो कि बहुत हिस्टोरिकल सिटी है। और यहाँ पे जैसी आगरा का ताजमहल है, आगरा का ताजमहल है, उसी तरह का यहाँ पे मकबरा बनाया हुआ है, उसका नाम है बीबी का मकबरा, जो कि औरंगजेब के बेटे ने उसके माँ के याद में बनाया था। और जो ताजमहल था, और ये जो ताजमहल था वो शाहजहां ने उनकी बीवी के नाम से बनाया था, वही मैं बताना चाहता हूँ। ये तो मेरा बड़ा मजा आएगा यार, फिर तो दिखाना शुरू करो। ये हाँ, ये एंट्री गेट है, एंट्री गेट है ये। अच्छा, जो सामने जो, हाँ 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 अबे बहुत प्यारा है ये तो, और बहुत प्यारा है यार, बहुत प्यारा है। रश कितनी है यार, लोग आ जा रहे हैं ना। आज छुट्टी है, आज छुट्टी का दिन है, गुड फ्राइडे है, तो छुट्टी के दिन आ जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये दरवाजा है, ये दरवाजा, हाय हाय, ये बड़ा दरवाजा। यार देखो, एंट्री का यार देखो, भारत ने ये चीजें कितनी संभाल के रखी हुई है, ये विरासत है ना। नहीं तो बाबा हमारे ऐसी चीजें तोड़ देते, ये पता है मुझे। ये देखो, ये फूल फूल उस समय बनाए हुए पेंटिंग। और ये देखो, ये फाउंटेन भी उसी समय का है। आपसे मैंने एक क्वेश्चन मेरे भाई पूछना है, कुलदीप भैया। हाँ बोलिए। बोलिए बोलिए। कमाल है यार, कमाल है यार। तो एग्जैक्टली ताजमहल ही मुझे लग रहा है, वो बिल्कुल सामने ताजमहल जैसा ही मुझे लग रहा है। हाँ सेम है, कुछ कुछ फर्क नहीं, खाली वो साइज में बड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो। ओ अच्छा, मतलब चीज एक ही है, समझो कि हम ताजमहल को विजिट कर रहे हैं। सेम सेम। अच्छा अच्छा, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना था, बड़ा कमाल का क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, ताकि हमारे पाकिस्तानी लोगों को थिंकिंग भी पता लगे कि वहाँ के मतलब क्या, फिर हिंदू की थिंकिंग क्या है, वो सोचते हैं क्या है। तो यार मेरा क्वेश्चन ये आपसे, आप लोगों की ये चीजें थी कि मुसलमानों ने ही बनाई है, ठीक है, आप वहां पर हिंदू हो, आप चाहते तो इनको डिस्ट्रॉय कर सकते थे, तोड़ सकते थे अपने यहाँ पर, आप लोग मंदिर या और चीजें भी बना सकते थे जैसे पाकिस्तान में अक्सर लोग कर देते हैं। तो आपका क्या सोच रखते हैं आप लोग इस बारे में, आपकी क्या सोच है, प्लीज ये मुझे जरा कंफर्म करें। नहीं नहीं, हाँ वजह भाई, अब बनाया हुआ कि किसने भी रहने दो, हाँ पता लगे कि आप लोग आपने सोच कर रखते हो आप। अब मैं वही एक्सप्लेन करता हूँ, किसी ने भी बनाने दो, जो चीजें बनाई हुई है हमारे पुरखों ने बनाई हुई है, और उसको संभाल के रखना अपना हक है, अधिकार है वो, क्योंकि वही हमें हमारा हमारे इतिहास से जोड़ती है, और हमारा इतिहास, और वही इतिहास हमें हमारा फ्यूचर भी कैसा रहेगा वो भी बता देती है, क्योंकि हाँ क्योंकि इतिहास इतिहास से हमें ये सीखना चाहिए कि हमने क्या गलतियां की, क्या नहीं की, क्या करनी चाहिए या क्या नहीं करनी चाहिए, इसलिए इतिहास को संभाल के रखना बहुत जरूरी है, यही मुझे बताना था। ये बात भले भले वो, अब ये तो मैं आपको खाली ताजमहल, आपकी सोच मुझे बहुत पसंद आई।
हाँ, यानी मेरा ये दिखाने का मकसद वही है, और आपको झूठ नहीं बोलता हूँ, इसके पीछे ही केव्स है, बौद्ध केव्स, बौद्ध लेनी बोलते उसको, केव्स, जो कि पहाड़ों में खोदा हुआ, जो अजंता एलोरा केव्स का नाम सुना है आपने कभी? तो उसी तरह के केव्स, हाँ मैं बता देता हूँ ऊपर जाके, वहाँ चाहे तो हम बाद में उसके लिए अलग स्ट्रीमिंग करेंगे, तो उस पहाड़ में जाके हम वहाँ की मूर्तियाँ वगैरह, जैसी अफगानिस्तान में बौद्ध मूर्तियाँ थी ना, हाँ उसी टाइप में मूर्तियाँ वगैरह उस ये पहाड़ों में है पीछे, तो वहाँ पे भी जाके मैं आपको बता दूंगा बात, जो कि हजारों साल पहले की है, हमारे यहाँ पेशावर में वो था, कौन स्टैच्यू, जो गुफाएं वगैरह जो थी ना, वैसी गुफाएं पीछे है पहाड़ों में, बाद में अपन उससे अलग स्ट्रीमिंग करेंगे, अभी वहाँ मैं जा रहा हूँ, वहाँ दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, बताओ बताओ बताओ। हाँ, यार देखो ना, आजकल की टेक्नोलॉजी ऐसी बढ़ गई है कि हम लोग यहाँ पर बैठे हुए इंडिया देख रहे हैं, यार इंडिया ने रिसर्च जैसी नहीं बनाया और संभाल के रखा हुआ, उसकी हिफाजत करना जानते हैं वो, देखो ना यार, और सब खुशी खुशी आते हैं यहाँ पे, हमारे पास जैसी पुरानी चीजें वो खराब हो गई लगा, ये देखो, और इसको मेंटेन यहाँ की गवर्नमेंट मेंटेन भी रखती है हर चीज, ये फाउंटेन है पूरा, ताकि तो इस व्यवस्था को संभाल के रखा हुआ है ना, हाँ, और यही चीजें हैं जो हमारे, यार आप लोग, यार कुलदीप आप लोग बहुत खुश नसीब हो, कितनी प्यारी प्यारी जगह आप लोगों को यार भारत में मिली, और आप लोगों ने उसको संभाल के रखा है, बिल्कुल संभाल के रखा हुआ है, और वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये हमारी पहचान भी है, पहचान भी है, अब किसी को इंडिया बोले तो तुरंत उसके आंखों के सामने क्या क्या आएगा, ताजमहल आएगा, क्योंकि वो पहचान है हमारी, बिल्कुल ऐसा ही है, दुनिया में पहचान है, पहचान, हाँ हाँ, अजूबा भी है, और एक इमेज भी है, जैसे हम अमेरिका के बारे में सोचेंगे तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी आंखों के सामने आएगा, बराबर, जो न्यूयॉर्क में है, उसी तरह इंडिया की पहचान तो ताजमहल है, और ये हमारी पहचान ही है एक तरह से, सर समझे, अब जा रहा हूँ मैं ऊपर, ऊपर से भी इधर का नजर, तो पूरी दुनिया जानती है, और ऐसा नहीं कि ये खाली अच्छा, यहाँ पर अभी बोलिए, यहाँ पर इस टाइम कोई मुस्लिम्स वगैरह आए हुए हैं? आए हुए बहुत से, यहाँ पर कोई मुस्लिम्स वगैरह इस टाइम आए हुए हैं? आए होंगे, अभी देखना पड़ेगा, अभी तो एंट्री मारा हूँ, क्या हमारी बात करा सकते हैं, अगर वो हिंदी समझते, सब यहाँ हिंदी समझते हैं, सब उर्दू समझते हैं, ठीक लगे आपको, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नहीं 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 ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मसला ही गलती है, नहीं नहीं मैं मेरे चाय, जहाँ मैं रोज चाय पीता हूँ वो खुद मेरा मुस्लिम दोस्त है, सवेरे सवेरे चाय पीने के लिए, गप्पे मारने के लिए जाते हैं, हाँ मेरे घर के पीछे, और हमारे पास आपको पता है जो बातें करते हैं, अरे हमारे यहाँ तो वही ना, हमारे यहाँ तो नहीं बैठते भाई कोई भी, असल में वजह भाई, मैं जॉब करता हूँ मुंबई में, गेटवे इंडिया के बाजू में मेरा जो रहता हूँ मैं ऑफिस की तरफ से, और दूसरी बात ये है, मेरा ये नेटिव प्लेस है, मैं घर पे आया हूँ फिलहाल 8-10 दिन के लिए इस सिटी में, अच्छा, और हाँ मैं ये बताना चाहता हूँ मेरा बॉस खुद मुस्लिम है, मैं रोज इफ्तार पार्टी में बैठता हूँ, रोज इफ्तार में करता हूँ उनके साथ, ये देखो मेरा नाम गोरा, मेरा मुसलमान है, ये देखो बोलते हैं मुसलमानों पे जुल्म होता है, नहीं नहीं बात कैसी है अंकल जी बात ये है, नहीं मेरा जो बॉस है ना, सही में कसम से बोलता हूँ, यहाँ का मीडिया बोलता है ना कि मुसलमानों पे जुल्म होता है, मुझे ये अजीब सा लगता है, मुसलमानों पे तो जुल्म हो रहा है,
देखो रिसर्च तो हमारी भी बहुत है पाकिस्तान के बारे में, पर ऐसी निगेटिव सोच हम रखते ही नहीं, बात करना भी नहीं चाहते ऐसे बात बारे में, क्योंकि वो जहन में आना भी बहुत बड़ी बात है कि हिंदू मुस्लिम ये बात आना भी बड़ी बात है। तो आपकी सोच हमारे लिए सोच सिखाती है। हाँ, हमें छोटे डाली हुई है ना, वो माइंड उनके भरे भर गए। और आपको झूठ लगेगा, पूरे ऑफिस में हम 2 से 3 जन ही हिंदू है, पर इफ्तार पार्टी में हमारा नाम रहता है, रोज एक थाली में खाते हैं। और जिस दिन रमजान जब रहता है ना, मैं तो रोजा नहीं रखता हूँ पर खाना नहीं खाता हूँ दिन भर। इफ्तार पार्टी होती है उनको साथ रखते हैं। देखो क्या बात है, चाहे तो मैं आपको फोटो भी बाद में सेंड कर दूंगा यार। तुमने दिल जीता कसम से, टू बी ऑनेस्ट मुझे इस बात का बिल्कुल नहीं लगता कि ये सीन है कि तुम इफ्तार पार्टी में भी। मैं चाहे तो रोज मैं इफ्तार पार्टी के फोटो भी निकालता हूँ, वो भी आपको सेंड कर दूंगा। हम कैसे बैठते हैं साथ में इफ्तार पार्टी करते हैं ये सब। अभी मैं अंदर जाता हूँ, अंदर लगाऊंगा, मस्त लगाऊंगा, ताकि अगर जो हमारे पाकिस्तानी उनको पता चल सके कि क्या सूरत है हाल है उधर। बिल्कुल ये देखो, अरे वो देखो कितनी खूबसूरत है यार। अब अंकल मैं अंदर जाता हूँ, ये आपको अंदर से भी मजार वगैरह सब दिखा देता हूँ। हाँ ये देखो, यहाँ पे सब जूते वगैरह उतार रहे हैं अंदर जाने के लिए। देखो ना सारे लोग आए हुए हैं। देखो बाबा, अब ये मजार है अपना मुस्लिम का, आर क्रिश्चियन हिंदू मुस्लिम सिख डिफरेंट डिफरेंट वहां पर, तो कोई मना नहीं करता ना, कोई मना नहीं किसी को, कोई चीज ऐसी रोकने वाली नहीं है ना। हमारे यहाँ तो ऐसी चीज नहीं। ये देखो दिख रहा है, कमाल है। ओहो, अरे भाई साहब, ये आंखें खोलती है ना बंदा, लाइव देखता है पता चलता है क्योंकि आई थिंक वो कबर है। हां यार। और ये देखो अंदर से ऊपर का, यार कितना संभाल के रखा हुआ, यूं लग नहीं रहा कि भाई कितना पुराना है। बस वजह मैं वो क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट वजह देती है ना। ये देखिए इधर की दीवार कोई, हां 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 ये देखो, ये पुराने चार्ज करने के लिए नहीं, पहले करते थे। हाँ ये देखो यहाँ की पेंटिंग वगैरह उस समय की, हाँ ये उस टाइम के, ये सब के ऊपर काम होगी। हाँ बिल्कुल नजर आ रहा है दीवारों पे। अरे भाई बहुत आला भाई यार, आज यकीन मानो समझो कि ताजमहल देख लिया, समझो ताजमहल हमने देख लिया भाई। हाँ ताजमहल में इतना अंदर जाके शूट करना अलाउड नहीं है, बहुत बड़ा। सही सही सही, बहुत प्यारा है यार ये, यकीन मानो सपना है पूरी दुनिया का यहाँ पर आना। बिल्कुल सही बात है भैया, हर बंदा चाहता है कि ताजमहल ही चाहे। हाँ ये पेंटिंग बिल्कुल दीवार पे ही बनी हुई है, और वैसी की वैसी मस्जिद बिल्कुल यहाँ ना नजर आ रही है अभी तक मेंटेन है। हाँ बिल्कुल कुलदीप, ये देखो ना ये ऐसे फूल पड़े हुए लगे हुए हैं, ये देख ना क्या चीज है। ये दरवाजे उस समय के, ये पुराने दरवाजे भैया नए लग रहे हैं। हमारे यहाँ तो चर्सी उड़ा के लेते थे। ये मीनार सामने वाले यार, एक बात यहाँ ये देखो, हाँ मीनार बिल्कुल बिल्कुल। और ये सामने का नजारा यार देखो, एजुकेशन का बाबा कितना ज्यादा डिफरेंस आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। बिल्कुल एजुकेशन की बात है, मेरे घर के पीछे यूनिवर्सिटी है यार। तुम भी भैया हाँ तो, बोलिए ना। अच्छा हाँ, मेरे घर के पीछे यूनिवर्सिटी है, एक एक यार कुलदीप भैया आप हाँ बोलिए बोलिए बोले प्लीज प्लीज। हाँ मेरे यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, कम से कम 1000 एकड़ की है
यूनिवर्सिटी घर के पीछे ही, उसका चाहे तो अलग स्ट्रीमिंग करेंगे हम। हाँ, और एक एक डिपार्टमेंट, एक एक कॉलेज, एक एक डिपार्टमेंट एक एक कॉलेज के बराबर है। बॉटनी डिपार्टमेंट, फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट, ड्रामा डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, एमबीए डिपार्टमेंट, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट, वहाँ पे ईरान, इराक, केनिया, और वहाँ पे इराक, हाँ इराक से, केनिया से लोग भी पढ़ने आते। देखो ना यार, डेफिनेटली हम लोग करेंगे यार, डेफिनेटली आप विजिट कराइएगा। अच्छा यार, आप मुझे ये बताइएगा कि आपको पाकिस्तान के एजुकेशन और इंडिया के एजुकेशन में क्या फर्क नजर आता है? आप जाहिर सी बात है, आप देखते हो सब कुछ, आपके सामने है सब कुछ। देखता हूं मैं। आपको क्या फर्क नजर आता है और क्या चीजें जो भाई हमें इसमें ठीक करनी चाहिए, तो तब हम आगे थोड़ा सा बढ़ सकते, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। सबसे सबसे पहली बात तो एजुकेशन की बात करें ना अंकल, एक हम तो दोनों साथ में आजाद हो गए थे, आजाद नहीं, हम आजाद हुए थे, आपको सेपरेट मिल गया था। क्योंकि और इसमें मुझे सबसे ड्रॉबैक्स क्या लगा है पता है क्या, मेरा यही बोलना है कि पाकिस्तान ने जो उनका हिस्ट्री था वो साफ मिटा दी। अगर वो संभाल के रखते थे, वो सिस्टम संभाल के रखते, वो सिस्टम संभाल के रखते थे तो आज वो आगे जाते थे। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे जो आजाद, हाँ देखो जब जंग लड़ी गई थी आजादी की, तब कोई जो भी क्रांतिकारी थे, जैसे भगत सिंह हुआ, गांधी जी हुए, कोई भी हुआ, कोई सिर्फ जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के लिए नहीं लड़ा था, वो पूरे हिंदुस्तान के आजादी के लिए लड़े थे। ये बात तो सही है, बिल्कुल बराबर बराबर। तो अब मुझे पता, तो इसके बारे में आपके यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है? भगत सिंह के बारे में पढ़ाया जाता है, गांधी जी के बारे में पढ़ाया जाता है, कुछ पढ़ाया नहीं जाता, तो उनको हिस्ट्री के बारे में क्या पता चलेगा? ये बात सही बोली है, एकदम करेक्ट बोली है। हमारी हिस्ट्री यही है कि तो, भाई हिंदू मुसलमान पे जुल्म कर रहा था तो हमने पाकिस्तान अलग मेहनत से ले लिया, तो ये वो। अब इससे भी ज्यादा मैं आपको और रियलिटी बता देता हूँ। जो शिवाजी महाराज, जो शिवाजी महाराज थे हमारे, बिल्कुल छत्रपति शिवाजी, उनके जो उनके जो पर्सनल बॉडीगार्ड थे, उनके पर्सनल बॉडीगार्ड थे, वो मुस्लिम थे। अच्छा बराबर, ये देखो हाँ कमाल। और छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे लेजेंडरी वॉरियर थे कि भाई साहब उनको कोई छू भी नहीं सकता था, देखना। और उनके बॉडीगार्ड एक मुसलमान, ये बात हमें पाकिस्तानियों को नहीं पढ़ाई जाती है, नहीं पढ़ाई जाती ये चीजें। मुझे कोई सिखाता तो किताब होती है, कोई पढ़ाता है, जैसे बिल्कुल। हाँ अंकल, दूसरी बात ये, जो तोपखाना रहता था उनका, उनका भी अच्छा। सालार जो रक्षक था, हेड था, वो भी मुस्लिम ही था। ये देखो, और उसके दूसरे ऑपोजिट साइड, उसकी दूसरे ऑपोजिट भी साइड में बता देता हूँ से, जो औरंगजेब था, बराबर जब मुगलों की सल्तनत थी, सत्ता थी, यहाँ पे हुकूमत थी, तब उनके डेमोक्रेट्स में भी हिंदू लोग थे, अधिकारी लोग वगैरह, ऑफिसर लोग भी उनके हिंदू थे। बिल्कुल बिल्कुल यार, रियलिटी हमारे यहाँ बहुत कट्टरता बन चुकी है ना इस टाइम पे, बहुत ज्यादा पाकिस्तान में चेंज करना पड़ेगा इनको, नहीं तो भाई साहब काम खराब। हमें सही हिस्ट्री पढ़ाई नहीं गई और सिखाई नहीं गई, और सही पता भी नहीं है यार। देखो हिस्ट्री है क्या, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हम हमारे ओरिएंट से जुड़ना चाहिए, बराबर exactly. हम इंडियन ओरिएंट्स वाले लोग हैं, बराबर। पर मैंने पाकिस्तान में ये देखा कि वो कौन सी कल्चर अडॉप्ट कर लेते, यूएई में जाते, वो अरब देशों का देखते, वो अडॉप्ट कर लेते। बराबर, ऐसा है, देखने को मिलता है ऐसा। फॉर एग्जांपल कुछ दिनों पहले आपके एक ऑफिसर के यहाँ पर चीता निकला था, बराबर निकला होगा, बिल्कुल मुझे इतना इसके बारे में आइडिया नहीं है। हाँ, आपको बता देता हूँ, आपका जो आर्मी ऑफिसर था उसने घर में चीता पाल के रखा था, शेर पाल के रखा था। ये कल्चर है दुबई वालों का, हाँ दुबई वालों का, उनका कल्चर है।
आप उनके नक्शे कदमों पे चलोगे तो कैसा चलेगा? सही बात। आइडल मानोगे, आइडल मानोगे गणी को, गौरी को, बराबर, तो आप उनके नक्शे कदम पे चल के कैसा बनेगा? ये अफगानिस्तान वाले बोले तो ठीक है, अफगानिस्तान वाले बोले तो ठीक है, पर आप इंडियन ओरिएंट से हो तो उससे रिलेटेड आप रहते तो आपको एक प्राउड फील भी होता था, आपको समझता था कि हमने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मेरी तो आपने बोलती बंद कर दी यार, इन्होंने कल्चर ही दूसरा अपनाया है ना। अगर ये इंडिया का सही कल्चर अपनाते तो आज हम किस मकाम पे होते यार। देखो आज जो ड्रेसेस हमने पहने हुए हैं, ये भारतीय जो आज हम खाना खा रहे हैं वो इंडियंस हैं, तो फिर इसमें हिचकिचाहट कैसी के भाई? नहीं हम ये दुनिया को जो कुछ दिया सब कुछ इंडिया ने दिया है ना। बिल्कुल, ये लिबास हो गया, कल्चर हो गया, फूड आइटम हो गए, ये सब इंडिया ही चीजें हैं। बराबर, तो मेरा वही बोलना है कि हम हमारे ओरिएंट से जुड़ना चाहिए यही। अब अगर हम ये बात आपकी बिल्कुल ठीक, और इंडिया कैसा बना है पता है क्या? बस इंडिया में बात है ना, आने वाला ना, हाँ, वी होप आने वाली यंग जनरेशन पाकिस्तान की भी चीज को समझ सके। सोशल मीडिया का दौर है, साथ में दूसरे को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, तो वी होप इन द फ्यूचर पाकिस्तान के एक यूथ एक अच्छे रिलेशन रख सके भारत के साथ। अभी तो बहुत ज्यादा कोशिश है हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे दोनों तरफ के लोगों को दिखाया जा रहा है कि भाई हाँ यहाँ का लोग ऐसा, यहाँ का लोग ऐसा, तो देखो ये चीज गलत तुम्हें मीडिया दिखाता है, ये चीज तुम्हें मीडिया सही दिखाता है, तो इसको फॉलो कर, इसको ना करो। अब देखो अब हमारा मीडिया हमें बताता है कि भाई तुम लोग मुसलमानों पे जुल्म करते हो, लेकिन तुम्हारी सोच देखो, तुम्हारी सोच अब यहाँ पर हमने लाइव पूछी है, लाइव तुमसे हमने पूछा ना तुम्हें भाई, हमने पैसे दिए ना तुम्हारे आगे, हमने कुछ ऐसा बोला, तुमने ये बोला, तुमने खुद बोला जो अपने तुम्हारे माइंड में आया, तो इस तरह लोगों को पता लगता है कि भाई आखिर लोगों की सोच क्या है। वजह भाई बात क्या है पता है हमें ना, वो ऐसी सी हम बचपन से ही सीखे हुए, भले ऐसा नहीं कि मैं हिंदू हूँ तो मुझ में वो इल्म है, वो मुसलमान में भी इल्म है। आप मुसलमानों को भी पूछेंगे तो वो इसी तरह के जवाब देंगे, उनमें हमारे में कुछ फर्क नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, और जब इंडिया बना था ना, इंडिया यानी जब हाँ मुसलमानों पे बड़ा जुल्म होता है, हम भी सोचते थे, ये सुनते थे कि नमाज भी नहीं पढ़ने देते, न रोजा रखने देते, न दाढ़ी रखने देते, न कुछ करने देते, ऐसा कुछ भाई मुसलमानों पे तरह तरह की जाति भी होती है, ये चीज हमारे दिमाग में थी। जब सोशल मीडिया ज्वाइन किया तो पता चला उधर के हालात ही हो रहे हैं, तो उल्टा हमसे अच्छे और तो हमसे उल्टा अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। हाँ अच्छा, अच्छा कोई मुस्लिम फैमिली है यहाँ पर? कोई मुस्लिम अभी तो दिख नहीं रही है मेरे, नहीं अभी मेरे ख्याल से इफ्तार का टाइम हो गया है, तो सब जन घर पे चले गए इफ्तार नमाज को। हाँ यार मतलब ये देखो ये इतना बड़ा एरिया है, यार एरिया तो देखो बहुत, यहाँ पर तो बाइकें आती होंगी फिर। नहीं नहीं यहाँ पे परमिशन नहीं बाइक का वगैरह, ये सब हिस्टोरिकल है। हाँ और इसको हाथ भी लगाने की परमिशन, पैदल चल भी आना पड़ता होगा ना। यार ये शॉट का जो व्यू है ना यार, ये मतलब के हाँ एंड है। और ये जो पहाड़ है ना सामने, जो पहाड़ दिख रहा है वो सामने पहाड़ दिख रहा होगा आपको? हाँ तो उन पहाड़, हाँ तो उन पहाड़ों पे हम बाद में जाएंगे, वहां पे आपको जो मैंने बताया था ना गुफाएं गौतम बुद्ध जी की, हाँ तो वहां पे उनकी मूर्तियां वगैरह सब ऐसे पहाड़ों में। अच्छा यार मैं सबसे पहले यार कुलदीप तुमको बहुत शुक्रिया बोलूंगा कि आज तुमने हमें विजिट कराया, रियलिटी बताई भाई। देखो भारत के अंदर ये चीज किस तरह प्यार से आप लोगों ने संभाल के रखी, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे जिस तरह आपने आंसर दिया, यकीन मानो ना मैं कहता हूँ कि अगर जिनकी गलत सोच होगी ना, उनके माइंड ना चेंज हो, तो वो फिर उनकी अपनी ही मर्जी है। सही बात है, जिस तरह आपने जवाब दिए यकीन मानो दिल जीत लिया आपने हमारा।
और मेरा एक और एक बात कहनी थी, जो आपने बताया ना कि सोशल मीडिया आने से, सोशल मीडिया आने के बाद आपको समझ में आया, पर सोशल मीडिया आने की जरूरत क्यों गिरी आपको? आपके वो परवरिश उस तरह मिलनी चाहिए थी। लेकिन बस यार वही बात है कि बस वही शुरू में काम हो जाना चाहिए, क्या बोले हो नहीं सकता है ना, वही ना हमारा मीडिया नहीं सकता, वही हमें कोई चीज खाई जाती तो हमारे जैन सही साफ होते ना। हाँ, क्योंकि सोशल मीडिया तो पहले इंडिया में भी नहीं था, पर वहाँ हर किसी ने, जो भी गुरु रहता था, टीचर रहते थे या जिम्मेदार लोग रहते थे, उन्होंने कभी मिसगाइड नहीं किया उनके आने वाली जनरेशन। सही बात, वाक्य सही बोले यार, एकदम करेक्ट बोले यार। हाँ, इसमें अकेले यानी जितने भी हमारे परवरिश करने वाले, हमारे माँ बाप रहने दो, हमारे टीचर रहने दो, या जिनको हम टीचर मानते हैं, बड़े मानते हैं, जिनकी रिस्पेक्ट करते हैं, किसी ने हमें मिसगाइड नहीं किया। ये सबसे अच्छी बात है हमारे इंडिया की। तभी तो आज हर भारतीय सही बात है, सारे एक साथ हैं, बिल्कुल इसी वजह से। बिल्कुल सही बात है, हमारे यहाँ आपने कभी थ्री इडियट्स मूवी देखा है? नहीं देखा क्या? देखा है ना? उसमें कैसी जब लड़का पैदा होता है तो वो कैसा बोलता है, तू बड़ा होके इंजीनियर बनेगा। तो ये यहाँ की खासियत है कि बच्चा पैदा हुआ इंजीनियर पैदा होगा, डॉक्टर पैदा होगा, पहले से सोच डाल देते हैं। ये सोच ऐसी पहले ही, और इधर फिर हम बोलते हैं कि भाई पैदा हो गया बोल दो, तो बस पैदा हो गया बोल दो। तो यार बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके यार, आप इधर फाइंड अप ये सब कुछ करते हैं। थैंक यू सो मच कुलदीप यार। और यार जिस भाई को कुलदीप को फॉलो करना है, लिंक इनके इंस्टाग्राम का भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके भैया को फॉलो करो। और भाई साहब को सारी हिस्ट्री बताइए, सारी हिस्ट्री बता, कुछ बताया, मजा आ गया कुलदीप, थैंक यू सो मच। तो यार अगर आजान की आवाज सुनो, आजान की आवाज, आजान, अभी आजान की आवाज आ रही थी, नहीं अभी थोड़ी देर लगेगा मेरे ख्याल से। हाँ, थोड़ी देर लगेगा, वही मुसलमानों को इजाजत ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मेरे घर के बाजू में उल्टा तो ऐसी है, मेरी मम्मी को आजान सुनने सिवा नींद नहीं आती, ये देख दोपहर की नींद जो करते हैं, तो वो आदत हो गई हमें। हम ये देख, वो सुनने सिवा नींद नहीं आती, और मेरे घर के यार यकीन मानो ना, ऐसी चीजें यकीन मानो हमें वीडियोस में देखने को आज तक नहीं मिली, जिस तरह लाइव एक्सपीरियंस। बिल्कुल सही बात, ऐसे नहीं पता चलता मेरे यार, आप जैसे को सैल्यूट, आप जो ऐसी सोचे आप लोगों जो किए ना, मैं कहता हूँ किसी की नहीं हो सकता। ये इंडिया की खूबसूरती है ना यार, अपनी मम्मी को हमारी तरफ से नमस्ते सलाम सब कुछ कहिएगा, बोलिएगा, बहुत ज्यादा शुक्रिया आपका। और गाइस अब ये वीडियो इधर ही खत्म करते हैं, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा कुलदीप, आप भी फिर मिलेंगे आपसे एक और न्यू एपिसोड में। तो यार बाय, थैंक यू, ओके।